स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, ये हमारे सामने इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो पहले तो हमें इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ पर हमें y की वैल्यू बतानी है जब x हमारा -1 है, और ग्राफ पर ही x की वैल्यू बतानी है जब y हमारा 5 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टेबल अपनी बना लेंगे। ये हमारा एक्स वाई, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जीरो पर चेक करेंगे, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 0 − 4, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमें वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। 1 पर जब चेक करेंगे तो यहां हम 1 रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये आपका y इज इक्वल टू 3 × 1 − 4, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू तब मिल जाएगी हमें -1, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, -1 मिल जा रही है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर जब चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x − 2 है हमारा, 3x − 4 अगर है तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 × 2, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 2 − 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 − 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y भी हमको कितना, 2 ही मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसको लाइन को तो हमें रिप्रेजेंट करना ही है, लेकिन जब ये हमारी लाइन हमारी ग्राफ पर बन जाएगी तो उसमें हमें दो बातें और पता करनी है। जब हमारा x माइनस वन होगा तो हमें y पता लगाना है, और जब हमारा y 5 होगा तब हमें x पता लगाना है। तो ये भी हमको इसी सेम क्वेश्चन में हमको करना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये जो हमारे पास टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइन को जरा हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन प्लॉट कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्लेन को हमने यहाँ पर बना दिया है। अब हम अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉइंट हमने बना दिया है जो कि है हमारा पॉइंट ए 0, −4 है। अब देखिए हमने पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर दिया है जो कि है हमारा 1, −1। अब देखिए हमने पॉइंट सी को प्लॉट कर लिया है जो कि है हमारा 2, 2 है। अब हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमने अपनी लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है जिसकी इक्वेशन है 3x − 4, y इज इक्वल टू 3x − 4 जिसकी इक्वेशन है। अब देखिए जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो हमसे क्वेश्चन हमसे कह रहा था वो हमारा ये था कि हमें x इज इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहूंगा, ये जो डॉट्स बने हैं इन्हें मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। अब देखिए x इज इक्वल टू -1 पर, हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 तो यहां पर है। अब हम क्या करेंगे,
वाई की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे। देखिए लाइन तो हमारी ये इस तरीके से ऊपर से नीचे इस तरफ आ रही है, दैट मीन्स हमें जब एक्स हमारा -1 है तो वाई की वैल्यू भी हमें यही मिलेगी, तो हम इसको बढ़ाएंगे आगे तक। सेकेंड, यहां तक हमने ये इसको ऐसा बढ़ा दिया है। अब हम इसको ऐसे ये मिला रहे हैं, तो जो ये वैल्यू है ये कहां पर, ये वैल्यू कहां पर मिल रही है, वाई की वैल्यू जो आपको मिल रही है कहां पर मिल रही है, -7 पर मिल रही है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या हो जाएगा, -1, -7। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे एट एक्स इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -7 फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, ये हमें किससे मिल रहा है, ये हमें ग्राफ के थ्रू मिल रहा है, ये हमें ग्राफ के थ्रू पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू -1 पर y इज इक्वल टू -7 है। अगर आप इसको इक्वेशन से निकालना चाहें तो इक्वेशन से भी आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 यहां पर आप पुट करिए तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 3 × -1 -3 -4, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -7। ठीक है, तो जो आपको ग्राफ से मिल, जो आपको इक्वेशन से मिल रहा है वही आपको ग्राफ से भी मिल रहा है, तो ये हमारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 5 पर x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इसको बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये कहां पर आ गया, ये 3 पर हमारा ड्रॉप हो जाता है। दैट मीन्स ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हमारा कोऑर्डिनेट 3, 5 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे एट y इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 3, कहां से मिला, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ ग्राफ से हमको ये चीज मिल गई है। ठीक है, अब अगर आप इसको, अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन से करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x - 4 है, और हमें क्या दिया है, हमें y गिवेन है, y हमें 5 गिवेन है, x निकालना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 5 रख देंगे, 3x - 4, तो यहां से क्या होगा, -4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आपका +9 हो जाएगा 3x, तो इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 9, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो देखिए जो हमें ग्राफ में मिल रहा है वही हमारा कैलकुलेशन से भी आ रहा है, तो दैट मीन्स हमने जो भी हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी हमने ग्राफ यहां पर बनाया है वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए इसको, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी इमेज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।